शहरनामा.com में आज हम एक बहुत अहम तरीन शख्सियत से आज मुलाकात कराएंगे जिनका नाम शायस्ता अंबर है। वो मोहताज तारुफ नहीं है, उनके काम जो है वो बोलते हैं और एक अरसे से वो इन कामों में मुनामिक हैं और समाज के दबे कुचले तबके के लिए बहुत काम कर रही हैं। वो ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम फैसला बोर्ड की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा दीगर समाजी इदारों तंजीमों से उनका ताल्लुक है और ज्यादातर वक्त उनका इन्हीं कामों में गुजरता है। अपने शौहर मरहूम अंबर वैरायटी साहब जो PCS ऑफिसर थे, उनके इंतकाल के बाद से भी वो इन कामों में मुनहमिक हैं और वे ज्यादा से ज्यादा चाहती हैं कि समाज के लिए करें और समाज उनकी इज्जत भी करता है, उनका विकार भी है समाज में। खैर मकदम है आपका शाइस्ता अंबर साहिबा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी। हम ये मालूम करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि मुसलमानों में जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड पहले से मौजूद था, तो ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम फैसला बोर्ड की तश्कील करने की क्या वजह थी, क्या उसके पसपुश जो कारफरमा से ख्यालात वो क्या थे? आप हमें मुख्तसर से उसकी तारीख और उसकी वजह बताने की जहमत करना। देखिए, ऐसा है कि मैं तो नाचीज एक छोटी सी सामाजिक खिदमत गुजार औरत थी। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के बाद मेरा फर्ज बनता था कि अपने आसपास जरूरी जो जरूरतमंद हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो खिदमत खल्क को इबादत समझ करके हम काम करते रहे हैं। और इत्तेफाक से हमारा जो गरीब खाना है वो लखनऊ के 15 किलोमीटर दूर संजय गांधी हॉस्पिटल तेलीबाग के पास है, तो वो इलाका एक तरह से समझिए कि शहर की बुनियादी तरक्की और बुनियादी सरकारी जो योजनाएं थी उससे भी बहुत सारी चीजों से वो महरूम रहा है। और ये इलाका मुस्लिम का भी इलाका नहीं था, यहाँ पे 99.9% हमारे हिंदू भाई रहते थे और जो कमजोर तबका ज्यादा था। संजय गांधी हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे जिनको किडनी बेच करके या किडनी ट्रांसप्लांट करके अपने जेवर या अपना घर बेच करके वो काम करते थे, वो पैसा इकट्ठा करते थे। कुछ लोगों को ये पता चला कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फंड से पैसा मिलता है तो हम लोग उसको इलाज में करेंगे। कुछ लोगों ने बताया कि ये प्रधानमंत्री फंड का पैसा भैया जो पैसे वाले लोग होंगे या सोर्सफुल होंगे वहां तक मुख्यमंत्री तक कोई पहुंचा दे तभी कह सके। किसी ने कह दिया कि एक औरत रहती हैं, वो थोड़ा सा गरीबों की बात सुनती हैं, उनके पास चले जाओ, शायद तुम लोगों की बात सुन ले वो। तो जब वो मेरे पास आए तो मुझे लगा कि मैं अगर जरा सा भी एक कदम भी चलूंगी तो शायद अल्लाह हमको नेक फाल औरत बना दे और मैं किसी के काम आ जाऊं। तभी मैं तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह जी थे, इन सब के दरबार लगता था, दर्शन दरबार, जनता दरबार, ऐसे लगता था। तब उन मरीजों को लेके जाते थे बिना मजहब और बिना तफरीक के, उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते थे और मुख्यमंत्री और जो हमारे सहाफी हजरात थे जो हर मजहब और मिलत के थे वो पूछते थे ये कौन है जिन्होंने आप तो इतनी साड़ी पहने हुए इतनी फैशनेबल तरीके से बड़ी मतलब बड़ी उससे आप आई हैं और ये गरीब तबका आपके साथ बुरका पहने हैं या बहुत कमजोर साड़ी पहने हैं बहुत। तो मैंने कहा ये मरीज हैं PGI के और इनको हम लाए हैं जनता दरबार में, मरीजों को कुछ आर्थिक अनुदान मिल जाए ताकि इनका इलाज हो जाए। तब अखबार वाले हमारी तरफ मुतवज्जे हुए कि एक ऐसी औरत भी है जो अपनी गाड़ी किस्म की बात है। ये सन की बात है 94-95 की बात है जब मुलायम सिंह जी थे मुख्यमंत्री और कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री। तो एक कुबेर टाइम निकलता था जिसमें रघुवेंद्र दुबे और वीरेंद्र सक्सेना जी उसके बड़े सहाफी थे। तो जी वीरेंद्र सक्सेना और वीरेंद्र दुबे करके शायद रघुवेंद्र दुबे, तो उन्हीं ने कहा अच्छा
राघवेंद्र दुबे, उन्हीं ने दुबे टाइप की पहले पेज की लाइन ही उन्हीं ने इस तरह शुरू किया कि कल्याण सिंह मिलते हैं जरा दूरी से, और फिर उसी की फर्स्ट हेडिंग में फिर मेरा भी नाम उसमें डाला कि एक औरत ऐसी भी है जो मरीजों को लेकर के आती है, तो फिर मेरे बारे में लिखा। तो इस तरह हमारी हिम्मत और एतमाद बढ़ा कि हम कुछ कर सकते हैं खिदमत लोगों की, हमारे को अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम जरूर करें। तो इस तरह धीरे धीरे इस इलाके के लोगों के लिए बिजली, पूरे गांव में बिजली बढ़ाना, पूरे गांव में बिजली नहीं थी जबकि वो नगर निगम के क्षेत्र में आता था, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बुनियादी सहूलियत से दूर थी, किया तो धीरे धीरे एतमाद पड़ने लगा। फिर देखा थाने चौकी में ये बुरखा पोश औरतें और दाढ़ी टोपी वाले बड़े, उनकी बेइज्जती होती है, वो उनके घर के फैमिली मैटर आते हैं और उनको लोग धुतकार देते हैं, ये जाओ दारुल कजा में जाके सुनाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मैं कान लगा के सुनती थी क्या मामला है, पता चला दूसरी शादी हो गई है, तलाक हो गया है। तो मैं छोड़ता इसलिए नहीं ध्यान देती थी ज्यादा, क्योंकि मेरा मकसद ज्यादातर होता था पुलिस की सताई हुई या बलात्कार की हुई, जिना बिलजब्र की हुई औरतों को मैं लेके जाती थी ह्यूमन राइट्स कमीशन या महिला आयोग या थाना या डीजीपी के यहाँ। तो मैं थोड़ा सा उस तरफ ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब हमने देखा अखबार की सुर्खियों में कि फतवे आ रहे हैं वो इस तरह के, उस तरह के गुड़िया और आरिफ और तौफीक तो वो बॉर्डर क्रॉस कर गया तो उसको कहा भगोड़ा है, और फिर इस तरह के फतवे आने लगे, तलाक हो गया व्हाट्सअप पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, तो एक जर्नलिस्ट सहाफी के जो बहुत सब, जैसे आपने बताया कि हमारे सहाफी हजरात हमारे ईमानदारी के काम को, हमारे जमीनी हकीकत के काम को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत एहतराम करते थे। ये एक ऐसी औरत जो जिसको कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके पास है, हर सहूलियत है, लेकिन फिर भी ये काम औरतों के लिए कर रही है, बलात्कार के औरतों के लिए थाने पे ले जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तब फिर जब ये अखबारों की सुर्खियां बन गई, तब एक सहाफी ने हमसे कहा शाइस्ता जी जना बिलजब की है, बलात्कार की औरतों के लिए तो आप बड़े बड़े धरने और रस्सियां काटती हैं, डीजीपी का घेराव करती, विधानसभा का घेराव करती हैं, आप ही के समाज में जो तलाक हो रहे हैं और ये हलाला हो रहा है, इसको क्या करेंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सहाफी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं किस तबके से हूँ और किस मुआशरे से हूँ और कहाँ कमजोरी है। तब मुझे बहुत हमने इसको गौर किया और मैंने अपने बहुत सारी खवातीन के साथ भी बात किया। फिर अमीर हैदर साहब बहुत अच्छे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और समाज सेवी भी हैं, तो उनसे भी, उनकी भी शफकतें मुझे मिलती रहती हैं। तो उन्हीं ने भी हमसे कहा और कई औरतें उन्हीं ने भी हमसे बताई, सबने मिलकर के ये बात हुई कि भाई सेंसिटिव पहलू तो है, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला, तो फिर क्या जरूरत है। तो मैंने कहा जब है तो फिर ये फतवा क्यों, फिर ऐसे फतवे क्यों मोबाइल पे कैसे। फिर मुझे कुरान शरीफ पढ़ना पड़ा, पहले तो सिर्फ हम कुरान शरीफ को एक बस एक रस्मी तौर पे पढ़ लेते थे, यहाँ तक कि हम मीनिंग भी नहीं पढ़ते थे, जितनी हमारी माँ ने तालीम दे दिया कि ये दुआएं पढ़ लो, ये तहज्जुद पढ़ लो, ये इशराक पढ़ लो, ये चाश पढ़ लो, ये सलातुल हाजत पढ़ लो और कुरान शरीफ से ये 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 सूरे देख लो, सूरे रहमान, सूरे नीचे, सब तो मैं बहुत कम ये तर्जुमे से पढ़ती थी। लेकिन जब हमने देखा कि कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जो जोर दिया है अल्लाह पाक ने और अपने हबीब और महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम सबसे ज्यादा इंसान के हुकूक और उनके साथ अदल और इंसाफ करो, तब हमें लगा कि ये तो ह्यूमन राइट के खिलाफ जा रही है बात कि आप व्हाट्सएप पे तलाक दे दो, आप बेकार में लिफाफा भेज दो। तो ये सारी चीजों पे जब हम लोगों ने, हम सब बहनों ने, औरतों ने, जो समाज सेवी और बेदार और दानिशवर औरतें थी, मर्द हजरात थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, वकील थे, वकला थे, मोहसिन रिजवी और बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे, तो उन सब लोगों से बात हुई तो ये हुआ कि देखिए ऐसा है कि इसको उठा, वुमेन बोर्ड बनेगा कैसे, जब पर्सनल लॉ बोर्ड है तो औरतों की अलग से क्यों नुमाइंदगी। हमने कहा औरतों की बात सुनवाई नहीं होती वहां पे, मैं तो कितनी बार दारुल कज़ा में गई, यहाँ एक मोहम्मद हाशिम नाम का एक आदमी था, वो अपने को हकीम था, झोला था हकीम,
उसके तीन बेटियां थी और उसकी वो अपनी दोनों बेटियों से करीब 7-8 साल या 13 साल या 12 साल तक जिना करता रहा और उससे बच्चे भी पैदा हुए। ये वजीरगंज थाने का रिकॉर्ड है मामला, कोई भी जाके जांच कर ले। वजीरगंज थाने का मामला है, मोहम्मद हाशिम नाम का था झोला छाप हकीम, उसने अपनी बड़ी बेटी के साथ कई सालों तक जिना करता रहा और कैसे करता रहा, ऊपर माँ लेटी रहती थी तखत के ऊपर और तखत के नीचे वो अपनी बेटी से जिना करता था और माँ देखती रहती थी। जब वो आजिज हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा भी हो गया तो दूसरी बेटी पे उसने हाथ साफ करने लगा, दूसरी बेटी जब बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब जाता तो बाहर में ताला लगा के जाता था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो लड़की भाग करके बगावत करके किसी तरह से मोहल्ले में जाके बोली कि हमारा बाप इस तरह करता, मेरी बड़ी बेटी बहन के साथ ऐसा बच्चा है। तो वो लोग थाने ले गए, जब थाने ले गए तो ये बात मीडिया में उठी। अब मीडिया में उठी तो हम लोग तो उस वक्त मुतहरिक हो ही रहे थे इस मामले को लेकर, हम लोग थे ही, हम लोगों को मौका मिल गया, हम उस औरत को लेकर के और बच्चों को लेकर के हम लोगों ने तय किया कि अब इसको इंसाफ दिलाएंगे। फिर हमने उस मामला नदवा गए, नदवा के दारुल कजा गए, दारुल कजा में मुफ्ती साहब थे, हमने कहा ये बताइए कि आप उस बच्चे को, मोहम्मद हाशिम के बच्चे को आप क्या रिश्ता देंगे, बाप का देंगे कि नानक का देंगे। तो कहेंगे ये मेरा मसला नहीं। हमने कहा मसला कैसे नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड बना है तो आप रिश्ता क्या देंगे, अब मोहम्मद हाशिम को तो जेल जाना है, वो तो जा रहा है, अब वो बच्चे क्या करें। कहेंगे इसमें हमारी ये मुस्लिम कंट्री नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा आप मुस्लिम कंट्री नहीं है तो पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज लोगों को अहमियत देती है, आप सिफारिश करिए कि चौराहे पर मोहम्मद हाशिम को सजाए मौत होनी चाहिए। कहने मैं नहीं करूंगा ऐसा। बस हम लोगों को, हमें भी आ गया गुस्सा क्योंकि हम थोड़ा सा बागी टाइप की औरत है, हम किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो हमारे मजहब का रहनुमा हो चाहे वो लीडर हो, अगर वो गलत है तो गलत है, इसको हम मानेंगे जुल्म। और जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने आवाज उठाई और आज इस्लाम जिंदा हुआ है, हम उसके पैरोकार हैं, हम अहले बैत और अल्लाह के महबूब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल में, उनके सबके में हम आज लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के दौलत से सरफराज हैं। हेलो, मुझे याद है कि उस जमाने में जब आपने इसकी बुनियाद रखी थी और उसके बाद में काम आपने शुरू किया था अपने समाज के लिए खुसूसी तौर से, तो काफी मौलवियों ने आपकी मुखालिफत की थी और बड़े बड़े बयान दिए थे और ये चाह था कि औरतें जो हैं वो अपनी आवाज ना उठाएं, और लेकिन आपने बड़ी बहादुरी से उन सबका मुकाबला किया और आखिर में आप बहुत से मामलों में बहुत कामयाब हुई। हमारे साथ पे सारिया रिजवी हैं जो जर्नलिस्ट हैं डेली आर्ट में, हम इनसे भी पूछेंगे कि जो इनके शाइस्ता अंबर साहिबा के काम है ऑल इंडिया वुमन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, आप इनके काम से कितना मुतमईन है और आप उनसे अगर कुछ सवाल करना चाहें। सर बहुत 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 शुक्रिया आपका। मैं शाइस्ता साहिबा से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने समाज सेविका का काम शुरू किया या ये कब मतलब किस चीज से मुतासिर होकर के क्या, ये किसी के कहने पे किया या कोई ऐसा शख्स कि जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो आप उसके लिए सामने आई हो, तो ये आपने ये काम किस वजह से शुरू किया हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आइडियल हैं तो लोगों को मार्गदर्शक दें। देखिए बहुत कुछ चीजें बच्चा चाहे आप हो चाहे हम हो अपनी माँ से सीखता है, माँ की तरबियत मिलती है, फिर उसके बाद शौहर के पास आता है, शौहर की तरबियत मिलती है, शौहर अच्छा है नेक है तो घर का माहौल जन्नत हो जाएगा, बीवी भी नेक होनी चाहिए और बीवी सिर्फ बीवी नहीं रहे बल्कि वो एक लाइफ पार्टनर है और एक दोस्त है और शौहर का उतनी ही एहतराम करे जिस तरह हमारे अल्लाह के महबूब हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी खदीजा अलैहि सलाम से मोहब्बत की थी। वो उनको उनको दुनिया से जब रुख्सत फरमा रहे थे पर्दा फरमा तब भी हजरत बीबी खदीजा अलैहि सलाम से मोहब्बत की और उनको याद किया, तो हमें वहां से रोशनी मिलनी चाहिए और हम लोगों को वही करना चाहिए। तो हमने जहां तक हमारी माँ की गोद मिली, फिर शौहर का हमें कुर्बत मिली, शौहर ने हमको कभी नहीं रोका मुझे मेरे अमली समाज खिदमत से, फिर समाज हमको सिखाता है, समाज सिखाता है कि ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म में कोई कौन खामोश है और कौन आवाज उठा रहा है। तो जब मुझे लगा
कि कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ हो, पड़ोस में करबला हो जाए हमारे घर में ना हो, पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो जाए हमारे घर में ना हो, तो ये तो नहीं होगा। कोई ना कोई तो कुर्बानी देगा। तो हमें तो हमने तो यही कदम उठाया कि ठीक है लोग हमें बुरा कहेंगे। बहुत सी औरतें थी सामने, कुछ लोगों ने कहा शाइस्ता जी आप कुरान की वही तफसीर बयान करिए जो हिंदुस्तान के ही उलमा इकराम ने की हो। और हमने कहा कि ऐसा नहीं है, कुरान शरीफ पूरी दुनिया में एक ही है और कहीं मुख्तलिफ नहीं है। उसकी तर्जुमानी हमारी दिमाग कहे कि हम क्या सही है क्या गलत है, इतना तो समझ होनी चाहिए। कुछ लोगों ने इतराज किया पाकिस्तान के उलमा की किताब से तस्वीर न लीजिए, हिंदुस्तान के लीजिए। तो इसका नहीं, हमने हजरत मौलाना आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से लिया हमने, और हमने अहले हदीस से की किताबों से लिया तब से। फिर हमने मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब जो पसनल्ला बोर्ड के थे, ट्रेजरार थे, मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब की तशरीहुल कुरान थी, फिर मौलाना आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफहीमुल कुरान थी। इस तरह से हमने जो आसान लोग औरतों को समझा सके, क्योंकि हिंदुस्तान की औरतें यकीन नहीं करती, वो पहले अल्लाह से नहीं डरती, वो मौलाना से डरती। उनको मौलाना और शौहर, शौहर और मौलाना उनके लिए बहुत है, अल्लाह कुछ नहीं है। उनको कुरान खोल के पढ़ा नहीं, जैसे हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन इसका तो नहीं मतलब नहीं है कि आपको पढ़ोगी नहीं। जब हमने उनको तफसीरें सुनाना शुरू की, आयतें दिखाना शुरू की, आसान उर्दू में समझाया दिखाया, तब उनको लगा नहीं शाइस्ता बाजी सही कह रही है, हमें तो कुरान में सीधे सीधे बात बताई जा रही है। यही बात है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बार लकीर खींची, एक सीधी लकीर खींची, और फिर कहा कि ये अल्लाह का रास्ता है, फिर उसके दाएं और बाएं कई लकीरें खींची, कहा ये शैतान का रास्ता है, जो इस तरफ से झटकेगा वो शैतान उनको गलत रास्ते पे ले जाएगा, तुम्हें सीधी सिरातुल मुस्तकीम पे ले जाना। तो सूरह इनाम की 153 आयत में ये साफ साफ लिखा हुआ है सिरातुल मुस्तकीम पे चलो। तो हमने जो भी सीखा, हमने समाज से सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस कुरान पाक की तिलावत के मीनिंग से कुछ सीखने की कोशिश की, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो समझ में आने वाली अकिल शऊर में, बहुत सी हदीस जो है वो कमजोर है, उनकी कोई हमें समझ में नहीं आती कि शौहर के खून भी बह रहा हो, पीप और मवाद बह रहा है तो चाटो वो तुम्हें जन्नत ले जाएगा, है शौहर ने किसी औरत ने किसी मर्द को छू लिया तो तलाक हो गया, बीवी ने किसी मर्द को छू लिया तो तलाक हो गया, ये क्या तमाशा है। शौहर ने सो रहा है और बीवी को नींद में तलाक देती है तो तलाक हो गया। ये कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा शौहर और बीवी के रिश्ते का जिक्र आया है, और नमाज और रोजा सलात और हज और ज़कात और वक्फ के जिक्र कम आया है। शौहर बीवी और इंसानी हुकूक का पहले जिक्र आया और ज्यादा आया, हर बार आया। मैम अगर से कुरान की बात करें तो तलाक इजी नहीं है, अगर हम कुरान के नुक्ते नजर पे चल करके तलाक लेना चाहते हैं तो फिर तलाक इजी नहीं है, तलाक बहुत मुश्किल है जी। और उलमाए कराम की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ती हैं कि वो उस चीज को स्टेप दिए जाते हैं कि फला स्टेप की वहां तक क्या करके फिर वो रोका जाता है, तलाक इतनी आसानी से नहीं होती। अगर हम सिर्फ एक तलाक के मामले में वसीला बना लो कुरान को तो जी जी तो इस्लाम में तलाक मुश्किल है, बहुत मुश्किल, तलाक मुश्किल है और निकाह हराम है, वो निकाह आसान है, निकाह आसान है और तलाक मुश्किल है, लेकिन इन लोगों ने क्या बना दिया, निकाह मुश्किल कर दिया और तलाक आसान कर दिया, और हलाली का रास्ता अय्याशी का रास्ता अपना लिया। मैम रिवाज अपनाया है ना, रिवाज अपनाया, इस्लामी नुक्ता नजर नहीं है कि रसूल अल्लाह ने किस तरह से शादी की थी जी, वो कुछ नहीं है। जहाँ आप रहती हैं वहाँ आपने एक बहुत बड़ी वो की है, एक मस्जिद बनवाई है अंबर मस्जिद, और उस मस्जिद को में काफी बड़े बड़े दालान हैं, उसके अलावा एक उसका सहन भी काफी कुछ आता है, और ऐसी ऐसी सुनसान जगह वो मस्जिद बनी थी कि दूर से हम लोग पूछते हुए गए आपके एक प्रोग्राम में, 2 किलोमीटर से पहले से पूछना शुरू किया तो मीने का बाएं मुड़िएगा वहां मस्जिद है, अंबर मस्जिद है। तो ये मस्जिद का की एक तहरीक आपको कहाँ से मिली, इन्हें इतने सुनसान जगह पर जहाँ पर लोग कम है और आपने मस्जिद की तश्कील की और वो मस्जिद हमने देखी,
मस्जिद बहुत शानदार। आइडिया आपके जहन में कैसे आए? बहुत बड़ा काम। एक बार क्या हुआ, अलीगढ़ में हमारे शौहर एडीएम थे और उन्होंने फोन किया कि शाइस्ता मैं इस बार ईद में नहीं आऊंगा और तुम बच्चों को किसी तरह से समझा लेना। तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ का दिन था कि शौहर हर बार ईद में मेरे साथ रहता था, बच्चे बिना पापा के ईद करेंगे। खैर सब्र किया क्योंकि ऐसी सर्विस है तो उनकी ड्यूटी पहले है, फैमिली बाद में है। तो हम ईद का टाइम आया और हम तेलीबाग के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मैं वहां बच्चे को लेके गई। वो मेरा बेटा 6-7 साल 8 साल का होगा। मैंने किसी से पूछा कि यहाँ मेरे बेटे को नमाज पढ़वा दीजिए। वो दौड़ता हुआ एक आए इमाम और उन्होंने इतनी सख्त मेरे जुमले से मेरे साथ मेरी बेइज्जती किया। अब यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही है, मर्दों में शर्म नहीं आती है, बस मुंह फाड़े चली आ रही है। और ये बच्चे का क्या करना, हमने कहा इसको नमाज पढ़वा दी, सही जगह बिठा दी ताकि बच्चे डरे ना। तो कहना ठीक है आप बहुत दूर जाइए, यहाँ दूर बिल्कुल जाइए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई अछूत हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको दीन की थोड़ी सी तो दी है कि हमें समझ में आया कि हम मिसाल कहाँ से ले रहे हैं। हमें फौरन हमारा जहन और दिमाग काबा शरीफ में तवाफ करती हुई उन औरतों मर्दों को देखा जहाँ पे कोई महरम और ना महरम का कोई भी दीवार नहीं है। सब काबा शरीफ में तवाफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान कर रहा है, तो वहां तो सिर्फ चेहरा तक खुला हुआ है। तो ये हमको इतनी दूर अछूतों की तरह क्यों भगा रहे हैं। मुझे बेइज्जती भी महसूस हुई और मुझे लगा ये इस्लाम के पूरी तरह पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। खैर हमने कहा ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में इस तरह की लोग हमको मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे। और हमने भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से कुछ किताबें, छोटी मोटी किताबें हम भी पढ़ते रहते थे, मुताले का शौक था। मैं घर आई तो मुझे ईद का तो बच्चों को जो था समझाती थी, लेकिन दिल में अंदर उलझन पैदा हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर से बात किया, पता चला यहाँ तो कोई मुसलमानों की कोई जमीन ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है तो मुसलमानों की जमीन क्या होगी। फिर जब हम मरीजों की खिदमत ही करते थे तो हमने कोशिश की एक जमीन का मामला करने, तो एक जमीन मुझे 9 लाख की बताया। फिर ये घर के बिल्कुल सामने थे, वो 9 लाख की बता रहे थे, हमारे पास कहाँ पैसा। फिर थोड़ा दूर हमने पूछा, पता चला कि हाँ वो मिल जाएगी 3 लाख में। अब 3 लाख मेरे पास कहाँ। फिर लोगों ने देना नहीं चाहा, लोगों ने कहा मस्जिद बनाओगे तुम ही इमामत कर लेना, तुम ही पढ़ लेना नमाज, तुम ही अजान दे देना, यहाँ तो जब मुसलमान ही नहीं है और घुटने घुटने पानी है तो तुम ही पढ़ना, तुम ही इमामत कर लेना। मेरा मजाक बनाया मैंने आसपास लोगों से और फोन पे भी लोगों से कहा, तब लैंडलाइन फोन थे, मजाक होता रहा। खैर हमने कई बार सुना कि रायबरेली में तकिया जाते हैं हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह, पता चला उनसे जाके बात करे तो इन वो औरतों से नहीं मिलते, इंदिरा गांधी से नहीं मिले। हमने कहा क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर रहे हैं क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साहबिया जाती थी और हजरत खौला बिन तस्बत तो सीधे तेज आवाज में कह दिए थे कि या रसूलल्लाह मेरे शौहर का क्या मामला है, तुमने कैसे कह दिया इन लोगों ने कि ये मेरे लिए हराम हो गए। तो जो तेज आवाज में औरत अपनी बात कह सकती है अपने नबी से, अपने प्यार से और गुस्से में, तो ये कौन होते हैं जो नहीं मिल सकते हमसे। खैर हमने खत भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह खत जैसे ही उनको मिला मगरिब की नमाज के बाद मुझे फोन बुलाया, खुद बोले फोन पर कि बीबी तुम आ जाओ, तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं फौरन गाड़ी उठाई, मैंने स्कूटर चलाती थी, मैं फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुई। कहने बीबी मैं बहुत परेशान हूँ, पीजीआई में इतने मरीज आते हैं, उनको जुमा की नमाज और नमाजों में उनको बड़ी दिक्कत होती है, हम खुद चाहते हैं लेकिन वहां कोई मस्जिद नमाजी जमीन ही नहीं है कि मस्जिद बने। और तेलीबाग वो कल्ली में एक मस्जिद है, मैं जब अपने नदवा से निकलता हूँ तब वहां पे नमाज पढ़ता हूँ, रास्ते में देर हो जाती है। तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, जो कहोगी वो मदद करूंगा मैं। तो हमने देखी जमीन तो बहुत महंगी थी, लोगों से मदद मांगी, लोगों ने नहीं दी, फिर अपने जेवर वगैरह जो था लिया और कर्ज लेके जमीन खरीदी। फिर बहुत सारे मामले हैं, फिर पैसा आया पैसा नहीं दिया गया और ये कह दिया गया औरत क्या करेगी करती, ये सब हमको दे दो और तुम घर बैठो, तुम बच्चे पालो खाना बनाओ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब नमाज पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम 15 अगस्त 26 जनवरी और सारे फलाही काम का कैंप लगवाती हूँ, बेवाओं का कैंप लगाती हूँ, ब्लड का कैंप लगाती हूँ, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उस पे कैंप लगाती हूँ और एक पैसा हराम समझती हूँ गवर्नमेंट का।
एक पैसा भी हराम समझती हूँ। मैं किसी की से भी कोई मदद नहीं लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लगाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौहर की तनख्वाह और हमारे बच्चों के पैसे और हमारे रिश्तेदारों के पैसे वो हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मौजज़ा पैदा करता है, मौजज़ा करता है। अल्लाह के हुक्म से 3 मंजिला मस्जिद है, इसमें 1000 लोग तो नमाज पढ़ते ही होंगे, और ईद में तो इतना कैंप लगाती हूँ, उसके बाद भी बाहर मस्जिद के बाहर सड़क पे हमको टेंट लगाना पड़ता है। सोलर पैनल है, सौर ऊर्जा से हम उसको चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजजा है। और यहाँ पे आरएसएस इंग्लिश हिंदू परिषद बीजेपी मोहन भागवत तक इस मस्जिद के बारे में कि जानते हैं कि हिंदू भाइयों का इलाज, उनको खून तक हम लोग डोनेट करते हैं, हिंदू भाइयों का इलाज का पैसा, और उस मासूम बच्चों को भी हम उस कमरे में वहां मुसाफिर खाने 8 कमरे बनाए हैं ताकि उस कमरों के किराए से मस्जिद का इंतजाम चल सके, वहाँ के जरूरी जितने इंतजाम है वो खर्चों, अगर कोई कमी होती है इमाम की तनख्वाह में तो वो भी हम लोग सब लोग मिलके करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक रुपए की दिक्कत नहीं आती। वहाँ जो पूरा गांव है, हम जब गए थे तो हमने देखा पूरा ग्राम समाज जो है वो आप लोगों को बहुत इज्जत देता है, क्योंकि आप लोग भलाई काम करते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान इन चीजों में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो है वो किसी भी मजहब का हो समाज का ही इकाई है, और उसमें कोई भूखा है प्यासा है या कोई किसी की चोट लग गई है या कोई बीमार हो गया है तो उसे हेल्प करना चाहिए कि उसकी दादरसी की जाए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उनसे मुलाकात में आपसे क्या उन्होंने उम्मीद की, आपके कामों को समझा, क्या आपने उनको अपने काम बताए, तो क्या गुफ्तगू हुई थी जो आप बताना चाहें। देखिए सबसे पहले मैं देख रही थी कि क्योंकि अल्लाह को बंदों की खिदमत पढ़ना पसंद है, बाद में रोजा नमाज है, बंदों की खिदमत ज्यादा पसंद है कि मेरे बंदों की पहले ख्याल रखो बाद में रोजा नमाज है, तो इसीलिए वक्फ की जमीनों के लिए हम परेशान थे। ये राष्ट्रपति जो पहली खातून थी हिंदुस्तान की प्रतिभा पाटिल जी, उनको भी लेटर लिखा था हमने, वो उन्हीं ने कह दिया कि हम वक्फ की जमीनों के लिए इसमें तो बड़ा पेचीदा मामला है, ये उन्हीं ने तहरीर बन के भेज दिया, उन्हीं ने सोचा ये कांग्रेस का मामला है और इसमें हम क्या झगड़े पड़े हम। उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी तशरीफ लाए, उनको जब लेटर भेजा कि वक्फ की जमीनों से हम एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल और कारखाने और तलाकशुदा बेवा और माजूर लोगों के लिए शेल्टर होम चाहते हैं, और ताकि उन लोगों को उस पे का उनको आसानी से उनको वक्फ की जमीन हम लोग दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की योजनाएं लागू करिए, जमीन हम दे रहे हैं, और जो जमीन माफिया हैं चाहे कोई भी हो, हमारे कौम से हो, दूसरे कौम से हो, जो गलत है उससे आप जमीन को आजाद करवा दीजिए, और जमीन को आजाद करा के उस पे आप कारखाने लगवाइए, उस पे शेल्टर होम लगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। हमारी कौम सच्चर कमीशन हो, चाहे राजेंद्र कमीशन हो, चाहे जितने भी कमीशन बने गए उन पे कोई भी माइनॉरिटी पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, हमको ज्यादा जरूरत है, हम कौम के लिए जाके बात करेंगे। आप ये जमीनें छुड़वा के इस पे स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया की योजनाएं लगाइए, जमीन हमारी योजना है आपकी। तो क्या जमीन स्तर पे कुछ काम शुरू हो चुका है मैम? जी शाहनवाज नकवी साहब को प्रणब मुखर्जी ने, फिर राम कोविंद जी जो अभी आए हैं उन्हीं ने, फिर शाहनवाज नकवी साहब को हमारा सारा प्रोजेक्ट दिया और उसी पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह इफेक्टेबल होना चाहिए। योगी जी के ऊपर भी लेटर ऊपर से आया, योगी जी का भी आया हमारे पास लेटर, लेकिन काम वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग उस पर बैठे हैं वो लोग किस तरह की ज़हनियत रखते हैं कि इस्लाम उनका बस चले तो इस्लाम को ही बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अहले बैत का कतरा कतरा कुर्बान हुआ है, और इसी की वजह से हम लोग आज जुबान और अपनी आवाज उठाने के काबिल हुए हैं, हम लोगों को अल्लाह ताला ने शऊर पैदा किया है, तो आवाज तो हम देंगे ही, कुछ ना कुछ तो होगा और हुआ हो रहा है,
लेकिन हमारी कौम बहुत ज्यादा सोती रहती है, दूसरों की टांग खींचती है, वो हमसे तस्दीक भी नहीं करेगी और फसाने बना देती है। शायस्ता पर फसाना बन जाती है उनके लिए, फसाना बना देती जी। शायस्ता अंबर को तारीफ करने के बजाय तनकीद करना जो है तारीफ नहीं होती, तनकीद होती। उन्हीं ने कह दिया शायस्ता अंबर से जाके मिले हैं, वो फसाना बना देते हैं वो लोग जी। खैर आप परेशान ना होइए, इंशाल्लाह सब होगा, आप नए कामों में आगे बढ़िए, आपने अल्लाह मदद करे। आपने अपने मौकफ जो है उसको रखा, आपने ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो बातें हैं वो बताई लोगों को, मालूम हुआ हमारे देखने सुनने वालों को। हमें उम्मीद है कि जो आज इस काम में आप लगी हैं, इंशाल्लाह उसमें और बड़ी कामयाबी हासिल होगी, और उम्मीद है कि आप इसको और बढ़ाएंगी। और सबसे ज्यादा इस परेशानी जो है, जो मेरे नजदीक है, वो मैं सोचता हूँ, वो जो मुस्लिम खवातीन है उनका बहुत बुरा हाल है घरों में, ना उनको मिल पा रही है ना कारोबार, और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। इस सिर्फ में आप काम कर रही हैं, खुदा आपको हिम्मत दे, तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया।